हेलो दोस्तों, एजुकेशन पावर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आए हैं, वो है राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। तो अभी अभी एक घंटे पहले जयपुर मुख्यालय ने जो ट्वीट किया है उसके बारे में मैं बताता हूँ, और इसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं, कौन से ज़िले से, वो भी बताऊंगा। तो इस तरह वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको तमाम जानकारी कंप्लीट सही से पता चल सके। चलो चलते हैं जो ट्वीट आया है उसके बारे में। ये ट्वीट आया है फर्स्ट इंडियन न्यूज राजस्थान से एक घंटे पहले। उनमें लिखा है, राजस्थान पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर, DGP ने जारी किए आदेश। अब पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2 चरणों में 11 व 12 मई को संपन्न करवाई जाएगी। भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र छात्र 1 मई से राजस्थान पुलिस .gov.in पर डाउनलोड कर सकेंगे। ये था सबसे अच्छा ट्वीट। और अभी तक आज हो गई 6 मार्च, तो देख लो 11 और 12 मई को एग्ज़ाम है, तो 2 महीने 5-6 दिन बचे हैं, आपको अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। अब चलते हैं कि कौन से ज़िले से कौन कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो वो बताता हूँ। ये आ रखा है एक अपने अखबार की कटिंग है, न्यूज़पेपर के, उसमें बता रखा है। तो बूंदी से 20,000 भरे गए हैं, बारा से 27,750, झालावाड़ से 32,320 और बीकानेर से 52,590 और चूरू से 19,201। इस तरह आप इसको पोज करके देख सकते हो। और सबसे कम फॉर्म भर गए हैं 11वीं बटालियन दिल्ली, उससे भी कम भरे गए हैं 9वीं बटालियन टोंक। सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं टोंक से, और सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं अपने जयपुर कमिश्नरेट से, उसमें भरे गए हैं 1,05,020। तो इससे आप इसको पोज करके भी देख सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जिससे आपको आगे भी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।